अक्टूबर की शाम सऊदी अरब के रियाद शहर पहुंचेंगे। खाड़ी के इस देश की प्रधानमंत्री की ये दूसरी अहम यात्रा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव TS तिरुमूर्ति ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री की सऊदी अरब के शाह से मुलाकात होगी, साथ ही सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। प्राइम मिनिस्टर विल हैव अ बायलैटरल मीटिंग विद हिज मैजेस्टी द किंग वेयर द एग्रीमेंट ऑन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल विल बी साइंड। देयर विल आल्सो बी सेपरेट डेलीगेशन लेवल टॉक्स विद हिज रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। Later that afternoon, Prime Minister will be addressing the FII plenary session. This will be followed by a banquet dinner hosted by His Royal Highness the Crown Prince. इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते भी होंगे, जिसके तहत भारत सऊदी अरब कूटनीतिक साझेदारी परिषद की शुरुआत करना, रुपे कार्ड शुरू करने पर समझौता ज्ञापन और दोनों देशों की ई प्रवास प्रणाली के बीच समन्वय लाने पर समझौता शामिल है। दोनों पक्ष रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच पहला नौ सैन्य अभ्यास इस साल के अंत तक शुरू होगा। सऊदी अरब की अरामको कंपनी महाराष्ट्र के रायगढ़ में रिफाइनरी में निवेश कर रही है। आर सेट टू फाइनलाइज एंड मूव अहेड ऑन द वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र व्हिच विल इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम सऊदीज अरामको, यूएईज एडनॉक and Indian public sector oil companies. This will be the single largest greenfield refinery in India. इस दौरे में आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत और सऊदी अरब के नेतृत्व के बीच आपसी समझ को बढ़ाने की कोशिश होगी। Let me assure you that Saudi Arabia has shown understanding on the recent developments vis-a-vis Jammu and Kashmir. And I'm sure that they stand has had a salutary effect on Pakistan. सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की ओर से 29 से 31 अक्टूबर के बीच होने वाले तीन दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री भावी निवेश पहल के तीसरे संस्करण को भी 29 अक्टूबर को संबोधित करेंगे और